तो चलिए बच्चों, ये पांचवा पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इससे पहले हम लोगों ने चार कर लिए हैं, चार पार्ट मतलब एक पार्ट में पांच, तो 20 हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। ये पांचवा पार्ट है और हमेशा की तरह पहले हम लोग पढ़ेंगे इनको, फिर देखेंगे कि इनका मतलब क्या है, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर्स लिखने की। अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो एटलीस्ट हम लोग जान जाएंगे क्या है। तो सबसे पहले की तरफ चलते हैं। तो पहला कह रहा है द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर घूमते ही रहना एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या कहते हैं या उस पर्सन को क्या कहते हैं, उस तरह के पर्सन को। सेकेंड है अ हस्बैंड रूल्ड बाई हिज वाइफ, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो उसकी वाइफ के द्वारा रूल किया गया है। हिंदी में तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, है ना, जोरू का गुलाम, या फिर आप बोलेंगे गुलाम अपनी बीवी का, लेकिन वो इंग्लिश में क्या आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। थर्ड आता है द वन हु हैज़ द सेम नेम एज अनदर, भाई ऐसा कोई पर्सन जिसका नाम वही है जो किसी दूसरे का है, तो उन दोनों पर्सन को क्या कहेंगे ऐसा वो बोलना चाहिए। फोर्थ पार्ट है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज़, लिविंग टिश्यूज़ जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, तो उनको काट छाट करना, उनको देखना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, और उनका एग्जामिन करना, एग्जामिन का मतलब होता है इवेल्युएट करना, देखना, जांचना। और लास्ट वाला कर रहा है द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं जो पानी में रहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं, एक्वेटिक, और एक्वेटिक से ही आपने सुना होगा एक्वेरियम, आपने देखा होगा घरों में रखा होता है, उसमें मछलियाँ वगैरह रहती हैं, तो वो पानी में रहती हैं, इसलिए उनको एक्वेरियम कहा जाता है, और एक्वेटिक से ही बना है एक्वेरियम। ये कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज़, तो उनको कहते हैं हम लोग बायोप्सी, और एक अटोप्सी होता है, आपने शायद सुना हो, ये है बायोप्सी और एक होता है अटोप्सी। अटोप्सी और बायोप्सी में क्या डिफरेंस है, अटोप्सी होता है वो भी एग्जामिन होता है लिविंग टिश्यूज़ का, लेकिन वो टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई पर्सन मर जाता है उसके बाद जब उनके टिश्यूज़ का एग्जामिन किया जाता है उनको अटोप्सी कहते हैं, और ये एक बायोप्सी कहते हैं, जब पर्सन बचा हुआ है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है ना, तो उसको बायोप्सी कहेंगे। द वन हु हैज सेम नेम एज अनदर, इन दोनों पर्सन को बोलेंगे नेम शेक, नेम शेक। अब आप बोलेंगे यार हमने तो कभी बोला नहीं है, देखो आपने नहीं बोला है लेकिन हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो हमें करना है। तो सेकंड की तरफ चलते हैं, अ पर्सन और अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, इसको हम लोग कहेंगे हैंडपैक्ड, और हैंडपैक्ड से याद आया एक ईडियम्स भी है हैंडपैक्ड हस्बैंड, हैंडपैक्ड हस्बैंड मतलब ऐसा हस्बैंड जो उसकी वाइफ के द्वारा रूल किया जाता है। और फर्स्ट वाला है द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसको हम लोग कहेंगे नोमैड, है ना, नोमैड शायद आपने सुना हो, घुमंतु भी इसे कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, नोमैड। और घुमंतु कौन होता है, घुमंतु होता है जो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उसको हम लोग नोमैड कहेंगे, है ना। द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने कर लिया है, इसका स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ, नेम शेख है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने पांच और कर लिए हैं, पांच और कर लिए तो मतलब टोटल हो गए हमारे 25। इसकी सीरीज को मैं इस तरीके से आगे बढ़ाता रहूँगा, आप आकर के जो है चेक करते रहना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, थैंक यू सो मच।